अब आगे बढ़ते हैं। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने 1 घंटे 2 मिनट तक चले अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है, ये सरकार बिना डरे काम कर रही है और इसके लिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया है। वहीं बजट से पहले पीएम ने कहा कि इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें होंगी, हमारे देश की ओर दुनिया आशा से देख रही है, हमारा लक्ष्य देश पहले, देशवासी पहले होना चाहिए। जिनकी आवाज को मान्यता होती है वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है, आशा की किरण लेकर आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है, विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट, सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।